आगे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से निपटने की कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। लाइव सेवन से खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है, साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पक्ष और विपक्ष जुट चुका है, ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर के। सुबोध जी, जिस तरह से वर्तमान परिस्थिति पूरे देश में दिख रही है, आप लोगों की क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो देश के स्तर पर एक बड़ा प्रयास किया है जिसमें सफलता मिली है और इंडिया गठबंधन जो है आज सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है भाजपाइयों को, क्योंकि हर सुबह शाम उसी के खिलाफ में बोल रहे हैं। अगर हम इतना इनरेलीवेंट है तो क्यों इतना नोटिस ले रहे हो हमको, तो वो है एक मेजर, क्योंकि जो जहां हैं वो बहुत सशक्त नेता है इंडिया के पार्टनर। टोटल अगर देखा जाए, झारखंड में हमारा गठबंधन है ही है, हम पिछले 3 साल से भाजपा के लोगों ने झारखंड सरकार को गिराने का प्रयास करते रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन को जो है वो कहीं ना कहीं डिसेबलाइज करने का प्रयास करते रहे हैं, तो ऐसे सारे स्थिति में हम तो मतलब ये आप सह सकते हैं 7x24 हम लोग जो है वो लगे हुए हैं इसी में, सरकार और संगठन और संघर्ष, ये तीनों का रूप हमें आज झारखंड में एकजुट करके करना पड़ रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में करें तो 14 लोकसभा सीट है, 9 पर लगभग दावा है, पिछले बार भी था कांग्रेस का, किस तरह की तैयारी रहेगी 14 सीटों पर तैयारी रहेगी? हम लोग निश्चित तौर पे 14 सीटों को जीतने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हम गठबंधन में हैं, तो गठबंधन में सिर्फ अपने सीट ही नहीं जीतना है हमें, जो हमें गठबंधन में मिलेगा, बल्कि हमें अपने पार्टनर के सीट को भी जीतना है। तो इसीलिए उस परिवेश में 14 सीट पे सारे बूथ पर हम एकजुटता के साथ लग रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से भी मीटिंग की थी, तो कहीं ना कहीं चुनौती भाजपा ही है। अगर झारखंड की बात करें तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी लोकसभा चुनाव में? भाई, झारखंड में राज बनने के बाद 18 बरस भाजपा राज किया, तो चुनौती तो ही है ही है, लूटा खसोटा बर्बाद किया, सांप्रदायिकता ये वो सारा चीज, जितना भी इनके हथियार औजार हैं उसका उपयोग कर चुके हैं, तो चुनौती तो वही यही है हमारे लिए, उन्हीं से लड़ाई लड़ना, यहाँ कोई तीसरा तो है नहीं। तो उनके जितने ताल तिकड़म अभी होने वाले हैं, सामने चुनाव तक आएगा, उस सब का मुकाबला किया जाएगा। क्या लगता है सुबोध जी कि सीट शेयरिंग जो होनी है, गठबंधन की सरकार है, उसमें कुछ पेच आ सकता है, पेच फंस सकता है? कोई पेच नहीं होगा, जो सिस्टम चला आ रहा है हम सब लोग स्मूथली उसी पे मिलके काम करेंगे। कहीं ना कहीं सुबोध कांत सहाय ने सीधे तौर पे कहा है कि जो चुनौती है उसके मुकाबले के लिए कांग्रेस कुनबा पूरी तरह से तैयार है। सहयोगी राकेश के साथ कमल कुमार, लाइव 7 रांची। लोकसभा